नरकटियागंज के सोल्डर्स एकेडमी ने एक बार फिर से क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिससे पूरे संस्थान में हर्ष का माहौल बना है। भसूरारी पंचायत के बारिया गांव के किसान का बेटा ने दारोगा बन प्रखंड के साथ साथ परिवार और अपने संस्थान सोल्डर्स एकेडमी का नाम रोशन किया है। बरवा गांव निवासी किसान स्वर्गीय रमेश राव के पुत्र रविवार कुमार ने लगातार चौथे प्रयास में परीक्षा में सफल होकर दारोगा बने हैं। दारोगा में चयन होने के बाद रविवार ने बताया कि उनकी मैट्रिक और प्रारंभिक पढ़ाई हाई स्कूल नरकटियागंज में हुई। वहीं स्नातक टीपी वर्मा कॉलेज से की है। शुरुआती परीक्षा की तैयारी गांव और नरकटियागंज में की, उसके पटना चले गए जहां पढ़ाई अच्छी नहीं मिलने पर पुनः कराए, जहां सोल्डर्स एकेडमी की जानकारी लगी और इन्होंने अपने शिक्षक ए के फौजी और नरेश कुमार के कड़ी मशक्कत के बाद दारोगा परीक्षा में सफलता पाई। रविवार ने सफलता का सबसे बड़ा श्रेय गुरुजन को दिया, जो हमेशा उन्हें कुछ बड़ा करने को लिए प्रेरित किया। ये बात जरूर कहूंगा कि एक गुरु का जब कोई भी उसका स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है तो उसका जो छाती है 36 इंच का हो जाता है। बहुत गर्व फील कर रहा हूं मैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बोल रहे हैं कि पटना से आए, कैसे तैयारी कराते हैं कि पटना छोड़ के आपके पास आ गए? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं, मैं BSF से एक SI रिटायरमेंट और मैं इसी सपना लेकर आया था कि मैं एक BSF में रह के क्या करूंगा। मैं चलता हूं और अपने एरिया नरकटियागंज अपने क्षेत्र के बच्चों को, बहनों को, भाइयों को मेहनत कराऊंगा, फिजिकल से लेके रिटर्न के लेके उस सब में इन लोग को दौड़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा। जैसे सोल्जर्स एकेडमी परिवार जब मैं शुरू किया तो मेरे साथ देने वाले मेरे प्रिय अनुज, मेरे आंसू आने वाला है, बहुत ही साथ दिया है मेरा नरेश भाई, और हम चाहेंगे कि उनका 69 में PPSC क्वालिफाइड हो और हमको जिस दिन उनका सिलेक्शन होगा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि रवि जो है सिलेक्शन लिए हैं और हम एक स्टूडेंट से स्टूडेंट जैसा नहीं बिहेव करते, हम भाई जैसा बिहेव करते हैं और ये भी स्टूडेंट हमको बहुत मानते हैं लोग, इसीलिए ये पटना छोड़ के नरकटियागंज आते हैं। दौड़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा सोल्जर एकेडमी से। अच्छा, आखिरी सवाल, जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि आप कहीं भी, देखिए हम अपना संस्था का नाम नहीं रखेंगे, कहीं भी आप बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे खान सर के पास, चाहे दिव्यज्योति सर के पास, चाहे ओझा सर के पास, चाहे पटना में कोई भी सर के पास, वो जहाँ भी रहे सर के मार्गदर्शन में रहे। जैसे अभी रवि बाबू बताया, सर जो दिशा निर्देश दे रहा है, जितना सिलेबस बता रहा है उसको फॉलो करें, उसको होमवर्क में करें और जो रनिंग हुआ बात वो रनिंग के लिए कहीं भी कर रहे मार्गदर्शन में रहे, मेहनत करें और जितो मेहनत करें आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कि हम लोग एकेडमी में यानी कि नरकटियागंज में रवि भाई का दरोगा में रिजल्ट हुआ है, अंतिम रूप से चयनित हुए हैं और ये हमारे क्षेत्र के ही हैं, यानी कि अपने नरकटियागंज बैरिया इनका घर है और ये बहुत गर्व की बात है कि एकेडमी से लक्ष्मण कुमार पिछली बार दरोगा बने थे, फिर अंजना कुमारी दरोगा बनी थी और फिर ये तीसरे दरोगा है यहाँ पे। और भी लोग हैं, जैसे चमुआ से एक प्रियांशु राय हुआ है, फिर से अजय भी हुआ है, तो कुछ मतलब नहीं आ पाए हम लोग इस कारणवश से, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे रवि भाई तो भाई हमेशा ग्राउंड में भी सुबह में गए थे, अभी रिटर्न में भी आए थे, आ गए हैं आप लोगों के साथ, तो ये हमेशा से और ये बोल रहे थे कि ये चौथा अटेम्प्ट था, मतलब हर बार किसी कारणवश, किसी कारण 17 से ये मतलब किसी कारणवश छट रहे हैं, लेकिन अब की बार पिछली बार तो ये होते होते रहे क्योंकि इन्होंने पटना में दौड़ लगाया था और पटना में इनका पैर फ्रैक्चर हो जाने की वजह से ये छट गए, फिजिकली नहीं पाया था। अब की बार जो एक फौजी सर है, आप लोगों के मार्गदर्शक, आप लोगों के गार्जियन, उनके निर्देशन में इनका जो दौड़ हुआ और काफी ओवर दर्जा का दौड़ हुआ, इन्होंने 5.5 मिनट में अपना रनिंग कंप्लीट किया और उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसमें तो कुछ नहीं था, तो ये वाकई लाजवाब इनका फिजिकल रहा और वाकई लाजवाब दिख भी रहे। अभी कल जब उनका रनिंग चलता था तो दिखते थे कब, और अभी हम देखे तो एकदम चेहरा पे ना चमक था, लेकिन नजर आप टिका नहीं पाइएगा, इतना चमक है। तो ये सिलेक्शन का चमक होता है, ये नियुक्ति का चमक होता है और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी सब कोई आइए और ये चमक अपने चेहरे पर लेकर और दमक अपने घर को देकर और नया जिंदगी का शुरुआत कीजिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे कि जो प्रेशर होता है
मेंटली प्रेशर था पूरा खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कोई प्रेशर है ही नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और शायद इसी के लिए इतने दिन से आदमी मरे जा रहे थे कि नहीं करेंगे करेंगे, उनको तो बहुत अच्छा फील हो गया है। कैसे तैयारी किए थे? तैयारी तो मेरा मैट्रिक और इंटर यहीं ग्रेजुएशन यहीं से किए हैं। उस समय यहाँ पे अपना कम्पिटिटिव किए और फिर चले गए पटना, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ सिर्फ भीड़ है, बाकी वैसे क्वान्टिटी कुछ नहीं। फिर इन सब लोग के संपर्क में आए और फिर यहीं से आके अपना स्टडी लोग के मार्गदर्शन में किए। फिजिकल तो आप फिजिकल सर के स्टडी सर के मार्गदर्शन में किए और फिजिकल कौन सर? कौन सर? फिजिकल एक फौजी सर और स्टडी की अपना नरेश सर के पास सब किए और इन लोग के मार्गदर्शन में मेरा रोगा करिए तो चौथा अटैम्प्ट था। पिछला बार हम छट गए थे, जब भी छटे तो कभी रनिंग में कभी मेरे से, इस बार एकेडमी सिलेक्शन हो गया है। सर के लिए क्या कहिएगा, क्या संदेश देना चाहिए? सर के लिए तो यही कहेंगे कि अभी तो मतलब कि सर अगर यहाँ पे अपने संस्था नहीं खुले होते तो हम भी इसी में कहीं कहीं भटकते रहते। सबसे बड़ा सर के लिए है कि मेरे ऊपर इतना एहसान है कि सब लोग यहाँ कोचिंग खोलिए, अपने ग्राउंड बना लिए जिससे हमको बाहर नहीं जाना पड़ा, जबकि इससे पहले बाहर रह के हम फेल होके आ चुके हैं। ये सबसे बड़ी हमने उपलब्धि है। जो जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या संदेश देना चाहिएगा? उनके लिए तो यही संदेश देंगे कि यदि आपका जो टारगेट है उस पर अपना फोकस करिए, इधर उधर मत भटकिए, उससे कुछ नहीं होगा। जो टारगेट है फोकस करिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं किसी भी सर के पास, यहाँ पढ़ रहे हैं या बाहर कहीं भी पढ़ रहे हैं जिस टीचर के, उनके मार्गदर्शन में रहिए। ज़्यादा आप पढ़िएगा इसको भी पढ़ लें उसको भी पढ़ लें, उससे कुछ नहीं होगा। जो टारगेट है उसको पढ़िए, उतना ही पढ़िए।